विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी यात्री लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक पहुंचेंगे। इसमें 60 यात्रियों के 18 दल होंगे, जिन्हें लिपुलेख दर्रा के रास्ते तीर्थ स्थल पर पहुंचाया जाएगा, जबकि 50 यात्रियों वाले 10 दलों को नाथुला दर्रा के रास्ते ले जाया जाएगा। आज हम कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 का शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन। इस साल मानसरोवर यात्रा 12 जून से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगी। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 3000 से अधिक आवेदन आए थे। इनमें से 1580 लोगों को जाने का अवसर मिला है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाले यात्रियों के पहले जत्थे को शुभकामनाओं के साथ विदाई दी। All those who have been selected for the yatra are really blessed to be participating in this divine expedition. It is a call from Lord Shiva. तो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है, तो वही बंगाल में दीदी भी राजनीति चमकाने के लिए पदयात्रा कर रही हैं। मूर्ति अनावरण के जरिए दाग धोने की कोशिश आप इसे कह सकते हैं। कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने महान समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति फिर से लगवाई है। ममता ने पहले कॉलेज स्ट्रीट पर हेयर स्कूल मैदान में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वहां से पैदल चलकर विद्यासागर कॉलेज तक गई, जहां मूर्ति को स्थापित किया। जबकि इससे पहले ममता बैनर्जी ने विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि आप मूर्ति तोड़ सकते हैं, लेकिन विद्यासागर को हमारे दिलों से बाहर नहीं निकाल सकते। যে একটা মূর্তি ভেঙে দিয়ে তাকে হৃদয় থেকে কখনো সরিয়ে নেওয়া যায় না, ইটস এ ফ্যাক্ট। কিন্তু তবু মনে রাখতে হবে, বাংলা খেলনা নয়, বাংলা খেলনা নয়। পশ্চিম বঙ্গাল মে রাজনৈতিক হিংসা কা দৌর থামনে কা নাম নহীঁ লে রাহা হ্যায়। পশ্চিম বঙ্গাল কে উত্তর পরগনা এলাকে কে বারুইপুর মে দেশী বম সে ধমাকা কিয়া গিয়া, जिसमें 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हो गए। अज्ञात हमलावरों ने विस्फोट करने में क्रूड बम का इस्तेमाल किया था। लोगों में दहशत का माहौल है। एक सरकार की नजर में सब लोग यहाँ के नागरिक हैं। सरकार की नजर में हिंदू और मुसलमान नहीं होना चाहिए। इसका ही रिएक्शन हो रहा है, लोगों के अंदर खौफ जन्म ले रहा है। आप क्या शांति की जिम्मेवारी है तो सारे लोगों को, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सारों को पूरी क्लास कर लीजिए। तो हमारे हाथ में 2000 हाथ तो नहीं है, जिनको लेकर इलाका ठंडा किया जा सकता, उनको पुलिस तलाश कर रही है, उनको इलाका और करके रखी हुई। अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। आप जानते ही हैं, इमरान खान भारत से बार बार बातचीत की अपील कर रहे हैं, और इस सब के बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान का आसमान भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर किर्गिस्तान जाएंगे। SCO यानी शंघाई सहयोग समिट में शामिल होने के लिए PM मोदी पाकिस्तान के एयरबेस से होकर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने भारत की अपील पर प्रधानमंत्री के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत दे दी। मोदी 13 और 14 जून को SCO समिट में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में इमरान खान भी मौजूद रहेंगे। भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कैंपों को निशाना बनाया गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने 11 एयर स्पेस में से केवल 2 हवाई मार्ग ही खोले हैं। इससे पहले 21 मई को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बिश्केक जाने के लिए पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र खोला था। हमारी अगली खबर का रुख करते हैं। भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार ने एक बार फिर से करारा प्रहार किया है। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को नियम 56 के तहत रिटायर कर दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से अनिवार्य रिटायर किए गए अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर्स और कमिश्नर जैसे पदों पर तैनात थे। इन अधिकारियों पर अलग अलग कई आरोप थे, जैसे कि घूस लेना, अपनी सहकर्मी महिलाओं का उत्पीड़न करना,
अघोषित संपत्ति को मैनेज करके पैसे लेना और इन अधिकारियों को जिस रूल 56 के तहत हटाया गया है उसके मुताबिक इस नियम का इस्तेमाल ऐसे अधिकारियों पर किया जा सकता है जो 50 से 55 साल की उम्र के हों और 30 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हों। सरकार इसके जरिए ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है। हमारी अगली खबर कश्मीर से, जहां कश्मीर को दहलाने के लिए आतंकवादी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, वहीं भारतीय सेना के शौर्य के सामने आतंकवाद को घुटने भी टेकने पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सोमवार रात शोपिया एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। अनवीरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों की पहचान कुलगाम के शयार अहमद भट्ट और शोपिया के शकीर अहमद बगाय के रूप में हुई है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये एनकाउंटर क्लीन ऑपरेशन रहा, इसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है और फोर्सेस जो है अब जो सर्च फाइनल सर्च ओवर हो गया है इनके पास से आर्म्स एंड एमुनेशन रिकवर किया गया है। पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और तहकीकात शुरू की है। वहीं भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृष्णा घाटी ब्रिगेड के पास एक संदिग्ध आईडी बम को निष्क्रिय कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकी किसी बड़े हमले की साजिश में थे जिसे सेना के बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। 8 दिन बाद वायुसेना के लापता AN-32 विमान का मलबा देखा गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान अरुणाचल प्रदेश के लिपो के उत्तर में विमान का सुराग मिला है। वायुसेना ने AN-32 के मिलने की पुष्टि भी की है। वायुसेना के मुताबिक MI-17 ने AN-32 विमान के मलबे को अरुणाचल प्रदेश के लिपो में देखा। याद दिला दें आपको 3 जून को वायुसेना का AN-32 विमान आसाम से अरुणाचल जाते वक्त चीनी सीमा के पास लापता हुआ था। इस विमान में 13 लोग सवार थे। वहीं मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों और मदरसों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार अब मदरसों को मेनस्ट्रीम यानी मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसों के टीचर्स को अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग दिलाने का ऐलान कर चुकी है। यही नहीं, अगले 5 साल में अल्पसंख्यक समुदायों के 5 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनमें 50% स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए रखी गई हैं। हम 5 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप मंत्रालय देने जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज की जो गरीब आर्थिक रूप से पिछड़ी कमजोर बच्चे बच्चियां हैं। दूसरा, जो मदरसों के टीचर हैं उनको जो है मेन स्ट्रीम एजुकेशन के लिए हमें जो है वो प्रशिक्षण दिलाना चाहिए, ट्रेनिंग दिलानी चाहिए और उसमें जो एक हमें टारगेट तय करना चाहिए कि हम इस साल में कितने मदरसों के टीचर्स को हम अच्छे इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग दिला सकेंगे ताकि वो मेन स्ट्रीम की शिक्षा जैसे कि साइंस है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है या और भी जो इम्पोर्टेंट जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है वो भी मदरसों में वो करा सके। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान वायु को लेकर अहम बैठक की। तूफान से उत्पन्न हालात से निपटने के लिए संबंधित राज्यों और मंत्रालय की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। अरब सागर में पैदा हुए दबाव के बाद देश के पश्चिमी तट की तरफ बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान वायु, जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में 100 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की भविष्यवाणी भी की है और साथ ही मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया को लगा है एक बड़ा झटका। आपको बता दें ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन चोटिल होने की वजह से 3 हफ्ते के लिए क्रिकेट एक्शन से आउट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका शतक आपको याद होगा, इसी मैच के दौरान धवन के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई। दर्द के बावजूद हालांकि वो बल्लेबाजी करते रहे लेकिन जब टीम मैनेजमेंट ने उनके अंगूठे का स्कैन कराया तो फ्रैक्चर की बात सामने आई। धवन को 3 हफ्ते तक, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैदान से दूर रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में KL राहुल ओपनिंग कर सकते हैं लेकिन फिर बड़ा सवाल ये होगा कि नंबर 4 पर कौन खेलेगा। 19 की 19 कहानियों में फिलहाल इतना ही।